हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइडेंस में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आज का वीडियो जो है किस टॉपिक पर है। तो आज हम बात करेंगे 2023 में, मीन्स लास्ट ईयर जो आपका जेएनएम नर्सिंग का एग्जाम हुआ था उसमें किस कैंडिडेट को आपको लास्ट जो है गवर्नमेंट सीट अलॉट हुआ था कैटेगरी वाइज, वही मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताने जा रही हूँ। ठीक है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है आपको बहुत कम चैनल्स पर मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप जो है नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखिएगा ताकि जब भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोज लाऊँ तो आप तक जो है वो सबसे पहले पहुँच जाए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिम्स रांची से, मिस जेएनएम स्कूल ऑफ नर्सिंग रिम्स रांची से। तो कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि किस कैंडिडेट को लास्ट जो है जेएनएम स्कूल ऑफ नर्सिंग रिम्स रांची अलॉट हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं पहले कैंडिडेट की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं जो है आखिरी कैंडिडेट की बात कर रही हूँ जिनको जो है रिम्स रांची अलॉट हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एससी कैंडिडेट की। तो एससी कैंडिडेट जिनका सीएमएल रैंक 237 था और कैटेगरी रैंक आपका 9 था और मार्क्स जो है वो 67.25% था, उनको जो है लास्ट जेएनएम स्कूल ऑफ नर्सिंग रिम्स रांची मिला था। नेक्स्ट आपका एसटी कैंडिडेट, तो जिनका सीएमएल रैंक 260 था, कैटेगरी रैंक आपका जो है 20 था और मार्क्स आपका 66.5% था, उनको जो है लास्ट जेएनएम स्कूल ऑफ नर्सिंग रिम्स रांची अलॉट हुआ था। नेक्स्ट आपका ओबीसी वन, जिनका आपका सीएमएल रैंक 48 था, कैटेगरी रैंक आपका 25 था और टोटल मार्क्स था आपका 86.5%। नेक्स्ट आपका ओबीसी टू, जिनका आपका सीएमएल रैंक 52 था, कैटेगरी रैंक आपका 9 था और टोटल मार्क्स था 85.25%। नेक्स्ट आपका जनरल कैंडिडेट, जिनका आपका सीएमएल रैंक 39 था और टोटल मार्क्स जो था वो था 89.25%। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एमजीएम जमशेदपुर की, मीन्स जेएनएम स्कूल ऑफ नर्सिंग एमजीएम जमशेदपुर। तो यहाँ पर भी हम लोग कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं कि किन कैंडिडेट को जो है लास्ट जेएनएम स्कूल ऑफ नर्सिंग एमजीएम जमशेदपुर अलॉट हुआ था। बात अगर करें एससी कैंडिडेट की, तो सीएमएल रैंक 391, कैटेगरी रैंक 17 और मार्क्स जो था वो था 61.5%। नेक्स्ट एसटी कैंडिडेट, सीएमएल रैंक 455, कैटेगरी रैंक आपका 41, टोटल मार्क्स 59.5%। नेक्स्ट ओबीसी वन, सीएमएल रैंक 95, कैटेगरी रैंक 46, टोटल मार्क्स 79.75%। ओबीसी टू, सीएमएल रैंक 135, कैटेगरी रैंक 21, टोटल मार्क्स 74.75%। नेक्स्ट आपका जनरल कैंडिडेट, जिनको आखिरी जो है एमजीएम जमशेदपुर अलॉट हुआ था जेएनएम नर्सिंग के लिए, उनका सीएमएल रैंक था 88। ठीक है, उनका टोटल मार्क्स था 80.5%। लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं एसएनएम एमसीएच धनबाद की। ठीक है, तो उसमें जो है कैटेगरी वाइज हम लोग बात करेंगे कैंडिडेट्स की। तो एससी कैंडिडेट, जिनका सीएमएल रैंक था 287, कैटेगरी रैंक था आपका 12 और टोटल मार्क्स था 65.5%, उनको जो है लास्ट जेएनएम नर्सिंग के लिए एसएनएम एमसीएच धनबाद जो है मिला था। नेक्स्ट आपके एसटी कैंडिडेट, जिनका जो है सीएमएल रैंक आपका 426, कैटेगरी रैंक आपका 36, टोटल मार्क्स 60.5%। नेक्स्ट आपका ओबीसी वन, जिनका जो है सीएमएल रैंक 100, कैटेगरी रैंक 49, टोटल मार्क्स 79.25%। नेक्स्ट आपका ओबीसी टू, जिनका सीएमएल रैंक 117, आपका कैटेगरी रैंक 18 और आपका टोटल मार्क्स 76.25%। लास्ट आपका जनरल कैंडिडेट, जिनको जो है लास्ट आपका एसएनएम एमसीएच धनबाद जेएनएम नर्सिंग के लिए मिला था, उनका सीएमएल रैंक था आपका 91, टोटल मार्क्स था 80%। तो ये था आपका आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। तो आगे ऐसे ही वीडियो के लिए जो है आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए मेरे चैनल को। ठीक है, और आगे अगर आप लोग बीएससी बेसिक नर्सिंग और पोस्ट बेसिक का भी आप लोग ऐसे कट ऑफ मार्क का आपका आप लोग सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।